हाय फ्रेंड्स, रूबी के किचन में आप लोग का स्वागत है। आज हम मिक्स सब्जी बनाएंगे, तो चलिए उसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा ले रहे हैं और सब्जी सब हम काट लिए हैं पहले से ही। तो हम आपको बताते हैं जो हम कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे, ये देखिए। और हम इसमें तेल, हम दो चम्मच इसमें तेल डाले हैं। हम ये हींग लिए हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा हम हींग ऐड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम बारीक कटा हुआ हम ये हरी मिर्च लिए हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे इसको। और ये हम बारीक कटा हुआ लहसुन लिए हैं, हम ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्याज लिए हैं, हम इसमें दो प्याज काटे हैं, तो ये प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से पकने देंगे। आज हम मिक्स बनाएंगे सब्जी, आज हम उसका रेसिपी आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्याज थोड़ा सा पक गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम ये आलू काट लिए थे छोटे छोटे पीसेस में, हम आलू काटे हैं, तो हम उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे और साथ में हम इसको भी हम थोड़ा देर के लिए हम भूंज लेंगे। और ये देखिए, हम थोड़ा सा हम ये गोभी लिए हैं और ये हम परवल लिए हैं, इसमें हम चार परवल लिए थे, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम एक बैंगन लिए थे, तो हम इस बैंगन को भी हम छोटे छोटे पीसेस में हम काट लिए थे, तो हम ये देखिए, हम सब मिक्स कर देंगे इसमें। अभी हम इसमें मसाला नहीं ऐड करेंगे, अभी हम इसको अच्छे से पहले हम भून लेंगे, इसके बाद फिर हम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको भी थोड़ा सा हम इसको अच्छे से भूंज लिए हैं, तो अब हम इसमें ये देखिए, ये बोदी है, तो हम ये बोदी को हम छोटे छोटे पीसेस में इसको भी हम काट लिए हैं, तो हम इसको भी इसी के साथ भूंज लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हम एक चम्मच नमक लिए, इसमें थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे, ये देखिए आधा चम्मच नमक और हम ऐड करेंगे। अभी हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले हम इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लें, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, या चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये बारीक कटा हुआ ये टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम साथ में ही हम सबको हम अच्छे से हम भूंज लेंगे। जब हम आज तो हम ये मिक्स सब्जी बना रहे हैं, तो मिक्स में तो सब कुछ डाल के तभी हम इसको अच्छे से हम इसको पहले हम इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें एक चम्मच ये लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम और ऐड कर दे रहे हैं। अब इसमें हम ये देखिए आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं,
इसमें हम ये देखिए एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हम इसमें ये काश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है, इसमें हम रस नहीं डालेंगे, इसको हम सूखी सब्जी बनाएंगे। अब हम इसको थोड़े देर के लिए हम ढक देंगे। ये देखिए फिर हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच हम लहसुन डालेंगे, ये लहसुन हम पीस लिए थे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको पाँच मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। इतनी ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने में, झटपट में बन जाता है। हम इसको गैस हम तेज करके बना रहे हैं। सब्जी देखिए अच्छे से भुजा चुका है, तो अब हम इसमें ये पनीर हम डाल देंगे। ये छोटे छोटे पीसेस में हम पनीर काट लिए हैं तो हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसमें इससे क्या होगा कि मेरा सब्जी और टेस्टी बनेगा और अच्छा बनेगा। तो हम मिक्स बना रहे हैं तो इसमें हम सोचे जो हम पनीर भी इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए हम इसमें पनीर भी डाल दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है इस सब्जी का, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। आप भी ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सब्जी बहुत अच्छा बनता है और पूरी के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आपका मन करेगा हम और खाएं। ये देखिए फिर अब हम इसको बस एक से दो मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि मेरा सब्जी बन चुका है तो हम बस एक से दो मिनट तक इसको पकाएंगे। हम इसको ढक दे रहे हैं। अब देखिए मेरा सब्जी बन गया है, बन के देखिए तैयार हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम इसमें ये क्या करेंगे, ये हम ये देखिए हम ये राजेश मसाला लिए हैं, ये सब्जी मसाला है, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा। ये देखिए हम ऐसे थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और अब हम इसे चला लेंगे, बस अब हम एक मिनट के लिए इस सब्जी को हम पकने देंगे। बस ये देखिए फिर कितना बढ़िया बना है ये सब्जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। सब मेरा ये सब्जी बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर ले रहे हैं और अब हम ये देखिए दूसरे बर्तन में हम सर्व कर ले रहे हैं। इसको हम सर्व कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, देखिए अब मेरा ये सब्जी बन के तैयार हो चुका है। हम दूसरे बर्तन में इसको हम सर्व कर लिए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बना है। और ये देखिए ये हम खीर बनाए हैं, तो हम थोड़ा सा हम खीर बनाए थे और पूरी भी हम साथ में हम बनाए थे, तो हम सोचे इसमें डाल दें। और ये हम ऊपर से खीर में थोड़ा सा हम ये हम केसर डाल दिए हैं। और अब फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हम सूखी सब्जी बनाए हैं मसाले वाली, ये मिक्स सब्जी है। तो अब आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।